ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ वीसीडी नंबर 3882, क्लेरिफाइड ऑन 10th फेब्रुवरी 2022। आज का प्रातः क्लास है, प्रथम जनवरी 1969, बुधवार। टुडेज मॉर्निंग क्लास इज डेटेड 1st January 1969, Wednesday. ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते। The father sits and explains to the children. अभी इनको तो देखते हैं बच्चे बहुत अच्छी तरह से। Now the children see these ones very nicely. किनको? Whom? इनको बच्चे बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, जिनमें बेहद का आत्माओं का बाप बैठ करके बच्चों को समझाते। The ones whom the children see very nicely, the unlimited father of the souls sits in him and explains to the children. क्योंकि ये है बच्चों की एम ऑब्जेक्ट। It is because this is the aim object of the children. अर्थात तुम इस घराने के थे, सूर्यवंशी घराने के थे। It means you belonged to this family. You belonged to the Suryavanshi family. फर्क देखते हो, रात दिन का फर्क है। You see the difference. There is a difference of between day and night. तो फिर घड़ी घड़ी इनको देखना है ना, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। So you should repeatedly look at them who become लक्ष्मी नारायण, shouldn't you? इनको देखना है कि हमको ऐसा बनना है। You should look at them and think we have to become like this. लक्ष्मी नारायण की महिमा अच्छी तरह से जानते हो। यू नो द ग्लोरी ऑफ दीज लक्ष्मी नारायण नाइसली। बाप ने रात भी समझाया कि पॉकेट में रखने से। द फादर ऑल्सो एक्सप्लेन्ड एट नाइट दैट बाय कीपिंग दिस इन पॉकेट, ये जो बच्चों की दुविधा रहती है औरों की तरफ में, उस दुविधा को देह अभिमान कहा जाता है। द बैड थॉट्स दैट द चिल्ड्रन हैव फॉर द अदर्स, दैट बैड थॉट इज कॉल्ड बॉडी कॉन्शियसनेस। अगर देही अभिमानी बन करके इनको देखेंगे तो ये समझेंगे कि बरोबर हम अभी ऐसे बदल रहे हैं। इफ यू लुक एट देम बीइंग सोल कॉन्शियस यू विल अंडरस्टैंड We are certainly reforming like this now. तो जरूर इनको देखना पड़े। So you will certainly have to look at them. क्योंकि जबकि तुमको बाप समझाते हैं कि तुमको ऐसा बनना है, मध्याजी भव। It is because the father explains to you that you have to become like this, मध्याजी भव। ऐसा है ना बच्चे? Children, it is so, isn't it? तो इसको देख करके याद करके वो उस दृष्टांत को नहीं बताते कि मैं वो मैं हूँ, भैंस हूँ या फलाना हूँ। So by looking at this, by remembering it, he doesn't give that example. I am that buffalo or so and so. ऐसे देखते देखते और वो वैसे ही बन जाते हैं। By looking at it continuously, they become just like that. ठीक है ना बच्चे? Children, it is right, isn't it? अब ये भी तो तुम जानते हो कि इनको देखते। Now you also know that by looking at them. देखते हैं, देखेंगे। तुम जानते हो अच्छी तरह से
कि हमारा एम ऑब्जेक्ट है, हमको ये बनने का है। इफ यू लुक एट देम यू नो वेल दैट योर एम एंड ऑब्जेक्ट इज टू बिकम दैट। अरे कैसे बनने का है? अरे हाउ विल यू बिकम दैट? बाबा को याद करके। बाय रिमेम्बरिंग बाबा। अब ये तो स्मृति चाहिए ना बच्चों को अच्छी तरह से। वेल द चिल्ड्रन शुड हैव दिस अवेयरनेस नाइसली, शुडंट दे? तो हर एक बच्चा अपने आप से ये पूछे कि हम बरोबर इनको देख रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, परमपिता परमात्मा को। सो एवरी चाइल्ड शुड आस्क हिमसेल्फ, एम आई रियली लुकिंग एट देम एंड एम आई रिमेम्बरिंग बाबा द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल? जिसका अर्थ ही समझाया गया है अच्छी तरह से, बनमना भव मध्याजी भव। इट्स वेरी मीनिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड नाइसली, मन मना भव मध्याजी भव। अगर इनको भी देखो तो ये जानते हो कि बाबा ने ही बनाए। इवन इफ यू लुक एट दीज वंस यू नो दैट बाबा हिमसेल्फ हैज मेड देम। ऐसा देवता बनाते हैं बाबा। बाबा मेक्स अस इनटू सच डेटीज। तो जितना हो सके। सो एज मच एज पॉसिबल। ये तो बाप कहते हैं कि निरंतर नहीं हो सकता है, समझा ना? द फादर डस से इट कांट बी कंटिन्यूअस। यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? परंतु पुरुषार्थ करने से। बट बाय मेकिंग पुरुषार्थ। भले घर गृहस्थ व्यवहार का कार्यक्रम करते हुए भी अगर तुम ये भी पक्का रखेंगे तो ये बनाने वाला फिर भी तो बाप है ना। इवन वाइल डूइंग द हाउस होल्ड एक्टिविटीज इफ यू मेक दिस फर्म द वन हु मेक्स यू दैट इज द फादर इजंट ही? तो वो इनको याद करने से बाप जरूर याद पड़ेगा। सो बाय रिमेम्बरिंग देम यू विल सर्टनली रिमेम्बर द फादर। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद पड़ेंगे। इफ यू रिमेम्बर द फादर यू विल सर्टनली रिमेम्बर देम। अभी है सारा मदार तुम्हारा इनको याद करना। नाउ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रिमेम्बरिंग देम। ये बनने का है और ये भी प्यारे हैं। यू हैव टू बिकम दिस एंड दे आर ऑल्सो लवली। अपन को हम ऐसा प्यारा बनाएंगे। यू विल मेक योर सेल्फ लवली लाइक दिस। किससे बनेंगे? फ्रॉम हुम विल यू बिकम दैट? ऐसे बाबा से हम बनेंगे। यू विल बिकम दैट फ्रॉम सच बाबा। तो ये तो धुन अंदर में लगनी चाहिए ना। सो यू शुड हैव दिस ऑब्सेशन विद इन, शुडंट यू? अगर ये धुन होवे, इफ यू हैव दिस ऑब्सेशन, तो ये जो बाप ने समझाया ना, सारा दिन ये खराब है, ये चरिया है, ये उल्लू है, ये पाजी है, ये सारा दिन ऐसे करते हैं बच्चे। द फादर हैज एक्सप्लेन्ड, चिल्ड्रन कीप गॉसिपिंग द एंटायर डे दैट ही इज बैड, ही इज मैड, ही इज अ फूल, ही इज वर्थलेस। जब अपने आपस में बैठते हैं ना, तो अंदर में ये सब उनके पास आते। When they sit together, all this comes within them. परंतु जब कोई दूसरा मिलता है उनको बैठ करके, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है। But when they meet someone else, they tell them, so and so person is like this, like that, so and so is like that. अब ये एक है। Now, this one. ये फलाना कैसा है, कौन हमको बनाएगा? How is this one? Who will make us that?
फलाना कौन है, वो बातें छोड़ कर करके फिर जो इन बातों में लग जाते हैं, बताओ वो क्या पद पाए सकते हैं। Those who engage in these talks, leaving aside the point, who that one is, tell me, what position will they attain? नहीं No. तो ऐसे ही रह जाते हैं। They stay as it is. नहीं तो तुम्हारे लिए तो बहुत ही सहज ते सहज है, और नाम ही है बिल्कुल सहज। Otherwise, it is very easy for you. And the name itself is absolutely easy. किनों को याद करो, बाबा को याद करो तो बन ही जाएंगे। Remember him, remember Baba, then you will certainly become that. समझा ना? You did understand, didn't you? ये जो दृष्टांत अनेक प्रकार का सन्यासी बैठ करके बनाते हैं, वो तो फालतू है ना बच्चे। जानवरों का मिसाल देना, फलाने का मिसाल देना। Daughter, the different examples that the sannyasis give, the example of animals, the example of so and so, are useless, aren't they? और ये तुम तो प्रैक्टिकल में हो। And you are that in practice. भक्ति मार्ग में तो भले ये दृष्टांत के लिए यही दृष्टांत दे। Although the same example is given in the path of bhakti. परंतु यहाँ तो देखो बच्चे, तुम सामने बैठे हो ना यहाँ। But look, children, here you are sitting in front, aren't you? सबके घर में ये जरूर होना है। Everyone should certainly have this in their house. समझे ना? You did understand, didn't you? ये यही लक्ष्मी नारायण का चित्र। This very picture of Lakshmi Narayan. वो है बहुत समझानी डिटेल में। That explanation is very much in detail. परंतु ये जो चित्र है, ये तो कितना accurate है। But this picture is so accurate. तो उनको याद करो, तो बाबा भी याद आएंगे। So remember them, then you will remember Baba as well. बाबा को याद करो, तो ये याद आएंगे। If you remember Baba, you will remember them. अभी बाबा ने धंधा तो अच्छा दिया है, बहुत ही अच्छा। Now Baba has certainly given a nice job, a very nice job. और बैठ करके सारा दिन यही सुनाना औरों को ज्ञान के बदली में कि ये फलाना, अब ये फलाना ऐसा है वैसा है ऐसा है, निंदा करते रहना, इसको तो दुविधा कहा जाता है ना बच्ची। And instead of knowledge, narrating this very thing to the others the entire day, that this person is like this, he is like that, to keep defaming someone is called having bad thoughts, isn't it, daughter? अभी भी कितनी अच्छी, बिल्कुल मीठी शिक्षा मिलती है बच्चों को। Now also, the children receive such nice and very sweet teaching. इसको This one बस इनसे ऊंची शिक्षा, इनसे ऊंचा प्यार बाप का दूसरा कोई होता ही नहीं है। No one else's teaching, love is higher than that of the father at all. तो कभी भी So never बाप कहते हैं कभी भी ऐसा उल्टा सुल्टा काम या श्रीमत वगैरह कभी भी नहीं करना। The father says, never do such wrong thing or anything without Srimat. अभी श्रीमत कभी बच्चों को कहती है, बच्चे कभी भी ध्यान में जाओ और जो जो डायरेक्शन मिलते हैं भोग लगा के आओ। Now the Srimat says, children, go to trance any time and offer bhog and come according to the directions you receive. बाबा ऐसा थोड़ी कहते हैं कि तुम वैकुंठ में जाओ। बाबा डजंट से दैट यू गो टू वैकुंठ।
अगर गया कहां दूसरी जगह, सिवाय भूख के तुम दूसरी जगह कहां भी गए, वो तो माया की प्रवेशता है। इफ यू गो समवेयर एल्स, इफ यू गो एनीवेयर एल्स अदर देन ऑफरिंग भोग, दैट इज द एंट्रेंस ऑफ माया। वो माया कुछ भी करा सकती है उनसे। माया कैन मेक यू डू एनीथिंग। माया का पहला नंबर कर्तव्य है गटर में डालने का। द फर्स्ट टास्क ऑफ माया इज टू पुट यू इन गटर। समझे ना? यू डिड अंडरस्टैंड, थैंक यू। ये तो जानते हो, बहुत ही वैकुंठ गए। यू डू नो मेनी वेंट टू वैकुंठ। वो अभी गटर में पड़े हुए हैं। नाउ दे आर फॉलन इन गटर। माया का ये धंधा है। दिस इज द टास्क ऑफ माया। बेकायदे कोई भी चलन चलते हैं तो नुकसान बहुत है बच्ची। इफ यू डू एनीथिंग अगेंस्ट द रूल देयर इज अ लॉट ऑफ लॉस्ट डॉटर। 1 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज। सेकेंड पेज ऑफ द मॉर्निंग क्लास डेटेड 1 जनवरी 1969। दिन प्रतिदिन हो सकता है कि कड़ी सजाएं भी पानी पड़े बच्चों को। डे बाय डे इट इज पॉसिबल दैट द चिल्ड्रन विल आल्सो हैव टू सफर सीवियर पनिशमेंट्स। समझा ना? यू डिड अंडरस्टैंड, डिडंट यू? अगर अपन को संभालेंगे नहीं तो इफ दे डोंट पे अटेंशन टू देमसेल्व्स। क्योंकि बाप जो कहते कहते रहते हैं, बाप भी इट इज बिकॉज वॉट इवन द फादर कीप्स सेइंग। और बाप देखो कितना बड़ा है। एंड लुक हाउ ग्रेट द फादर इज। साथ में धर्मराज भी है। धर्मराज इज ऑल्सो विद हिम। हिसाब किताब का वो सभी रहता है बेहद का। ही हैज ऑल अनलिमिटेड अकाउंट्स। अरे बच्चे जरा भी डरते नहीं है, कुछ भी नहीं डरते है। अरे द चिल्ड्रन डोंट फियर हिम इवन अ लिटिल, दे डोंट फियर हिम एट ऑल। तो कोई सजाए न खाए। सो दे शुडंट सफर पनिशमेंट्स। और सजाए तो बहुत खाई है। एंड दे हैव सफर्ड लॉट्स ऑफ पनिशमेंट्स। देखो रावण की जेल में कितने बरस पड़े। लुक फॉर सो मेनी इयर्स यू हैव बीन इन दिस जेल ऑफ रावण। कितने दुखी हुए हो। यू हैव बीन सो सॉरोफुल। कितने दुख है इस दुनिया में अंदर में। देयर इज सो मच ऑफ सॉरो इन दिस वर्ल्ड। अंदर में नहीं तो याद ही। Inside, otherwise, only remembrance. दूसरा सब कुछ भूल कर करके और बाप की याद में ही रहे। You should forget everything else and stay in the remembrance of the father alone. आप भी ऐसे ही कहते हैं कि बच्चे बाप को याद करो। The father also says the same. Children, remember the father. तो ये तुम्हारा उच्च पद दैवी बन जाएगा। सो योर हाई पोजिशन विल बिकम डिवाइन। और साफ कचर पट्टी की बात है अंदर से, ये दुविधा, ये सभी पांच भूत, ये माया है ना ये सभी। एंड ऑल द रबिश विद इन द बैड थॉट्स ऑल द 5 एलिमेंट्स आर माया aren't they? ये भूत, दीज ghosts, ये विकार में कौन ले जाते हैं। Who makes you indulge in vices? ये भूत है माया के। These are the ghosts of Maya. ये छी छी बात कौन कराते हैं, भूत। Who makes you speak these dirty words? The ghost. तुम बच्चों को तो सर्विस करनी है। You children have to do service. जो बाबा कहते हैं कि सबको ये बताओ कि देखो
तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट ये है। बाबा सेज टेल एवरीवन, लुक दिस इज योर एम एंड ऑब्जेक्ट। ये गीता है। दिस इज गीता। भले ये गीता है, ये राजयोग है ना बच्चे। ऑल्दो इट इज द गीता, इट इज राजयोग, इजंट इट चिल्ड्रन। कैसे है राजयोग? बिल्कुल सहज है। हाउ इज राजयोग? इट इज एब्सोल्युटली इजी। कि बाप को याद करो तो ये वर्षा मिलेगा तुमको। रिमेम्बर द फादर देन यू विल रिसीव दिस इनहेरिटेंस। तो इसी धंधे में लग जाना चाहिए ना। सो यू शुड बिकम एंगेज्ड इन दिस वेरी बिजनेस, शुडंट यू? बच्चे अंदर में और ही जो भी शरकपट गंद कचरा भरा हुआ है वो तो निकाल देना चाहिए ना। चिल्ड्रन वॉट एवर डिसेटफुलनेस कनिंगनेस डर्ट एंड रबिश दैट यू हैव विद इन यू शुड रिमूव इट, शुडंट यू? भले माया तो लेगी परीक्षा, माया की परीक्षा बड़ी कड़ी है। Although Maya will definitely take your test, the test of Maya is very tough. परंतु उन सब बातों को उड़ाते 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 कोई निरंतर तो कभी नहीं कोई कह सकते। But putting aside all those things, no one can ever say continuously. बाकी बोलते हैं कि जितना हो सके। As for the rest, he says as much as possible. आखरीन में निरंतर आ जाएंगे। Finally, you will reach continuous. तभी तो इतना ऊंच पद पाएंगे। Only then will you achieve such a high position. तो अगर कोई दुविधा रह जाएगी अंदर में, दूसरा कचरा, ख्यालात का कचरा रहेंगे, यानी माया के वश हो करके कि जो भी कुछ भी बुरा काम करते हैं वो माया के वश में होकर करते हैं, यानी हार खाते हैं। सो इफ यू हैव एनी बैड थॉट विद इन, इफ यू हैव अदर रबिश, द रबिश ऑफ थॉट्स, दैट इज वॉट एवर रॉन्ग यू डू इट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय माया, इट मींस यू लूज। तो घड़ी घड़ी हार खाना। सो यू लूज अगेन एंड अगेन। बाप भी कितना समझाते हैं कि भाई हार मत खाओ। द फादर ऑल्सो एक्सप्लेन्स सो मच, डोंट लूज। गंदा काम कर करके ये निंदा और फलाने की ये तो की। यू परफॉर्म्ड डर्टी एक्शंस लाइक डिफेमिंग सो एंड सो। तुम सारे जन्म करते करते ये बुरी गति आकर के हुई है। योर कंडीशन हैज बिकम सो बैड डूइंग इट इन ऑल योर बर्थ्स। अभी जब सदगति होती है तो ये बुरा काम तो नहीं करना चाहिए ना। नाउ व्हेन सदगति टेक्स प्लेस यू शुड सर्टेनली नॉट परफॉर्म दिस बैड एक्शंस, शुड यू? तो आज बाप को समझाना पड़ता है। सो टुडे द फादर हैज टू एक्सप्लेन। जब जब कहां से चित्र आते हैं, पत्र आते हैं या देखते हैं कि कोई को माया ने एकदम आधा तक ग्रास कर लिया, पता भी नहीं पड़ता। Whenever pictures come from some place, when letters come, you see that माया has devoured half of someone. You don't even come to know it. समझा ना? You did understand, didn't you? किसी को पता थोड़े ही पड़ता है। Does anyone come to know of it? नहीं बच्ची। No daughter. वो तो समझते हैं हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। They think we are behaving very well. पर चलन तो वो जो कहा जाता है ना, thought, word, deed. But the conduct, it is said, isn't it? Thought, word, deed. तो word माने अक्षर है। So word means अक्षर। कहना मुख से, टू स्पीक देम थ्रू द माउथ।
मुख से भी तो रतन निकलना चाहिए ना, पत्थर तो नहीं निकलने चाहिए ना। Gems should come out of the mouth as well, shouldn't they? Stones should certainly not come out of the mouth, should they? बहुतों के मुख से पत्थर निकलते हैं। Stones come out of the mouth of many. ज्ञान नहीं निकलता है, परंतु पत्थर निकलते। Knowledge doesn't come out of their mouth, but stones come out of their mouth. तो बच्चे जानते हो, ये एक ही समय है, इस समय में जो तुम्हारे दुख दूर होंगे मुख कमल से ज्ञान रतन ही निकलने। You children know this is the only time when your sorrow will be removed. Only gems of knowledge should come out of your lotus-like mouth. पत्थर निकलेंगे ही नहीं। Stones won't come out at all. ये जो किसी को ये करना वो करना, ये कहना गंदी बातें करना, ये पत्थर है ना बच्चे। टू डू दिस टू डू दैट टू समवन, टू से दिस टू से बैड वर्ड्स आर स्टोन्स, aren't they daughter? ये भी तो समझ होनी चाहिए ना बच्चों को कि तुम अभी पत्थर से पारस बनते हो। द चिल्ड्रन शुड ऑल्सो हैव दिस विजडम That they become paras from a stone, shouldn't they? तो पत्थर थोड़े ही मुख से निकलना चाहिए। So, stones should certainly not come out of your mouth. हमेशा मुख से वो रतन ही निकलना चाहिए। Only gems should always come out of your mouth. क्योंकि तुम लोग बाप के पिछाड़ी नहीं समझो कि बाबा ऐसा करते हैं। It is because you don't think for the father that Baba does this. ऐसे बाबा को तो समझाना पड़ता है ना। Baba has to explain like that, doesn't he? टीचर को तो हक है ना बच्चों को कुछ भी करना। The teacher certainly has rights to do anything to the children, doesn't he? ऐसे तो नहीं है कि बच्चे बैठ करके बाई बाई को लकड़ी मारेंगे। It isn't that the children will sit and hit each other with sticks. अगर देखेंगे कि ये चंचल है या कुछ खराबी करते हैं स्कूल में बैठ करके, बाई बाई तो नहीं। If he, that is the teacher, sees that they are naughty or they do something wrong sitting in school, they are certainly not brothers for each other. ये तो टीचर का है ना जो किसी को भी समझाना। It is definitely the teacher's duty to explain to everyone. तो टीचर है कुछ भी कह सकते हैं। So the teacher can say anything. बाकी भाई भाई को तो नहीं कह सकते हैं ना? नहीं। As for the rest, a brother can't say anything to a brother, can he? No. क्योंकि स्कूल है ये सारा। It is because This is a school. स्कूल भी कैसे है, उठते बैठते चलते, तुम स्टूडेंट हो। How is it a school? You are a student while standing, sitting and walking. तो स्टूडेंट स्टूडेंट को नहीं कुछ कह सकते। So, a student can't say anything to a student. देखो कुला हाथ में नहीं उठाना है। Look. You shouldn't take law in your hands. ऐसा कहा जाता है। It is said so. तो तुम लोग भी जो एक दो में ये सभी कहते हो ना, जैसे ला हाथ में रखते हो अपने भाई भाई को। So, when you two say all these things to each other, it is as if you take law in your hands for brothers. बाप समझा सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं समझाने के लिए। The father can explain. He can say anything to explain. बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है, बच्चों बाप को याद करो। As for the rest, it is the direction of the father for the children. Children, remember the father. तुम्हारी तकदीर खुली है। Your fortune has changed for the better. तो न मानने से श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर तो बिगड़ जाएगी एकदम।
So, by not obeying the father, by not following the Srimad, your fortune will be absolutely ruined. और फिर बहुत पछताना होगा। And you will have to repent a lot. कि बाप की श्रीमत पर है क्यों नहीं चली? Why didn't I follow the Srimad of the father? उसकी दुर्गति का ये कमाल है। This is the wonder of its degradation. एक तो सजा है, दूसरा पद भी भ्रष्ट है। One thing is that they suffer punishments. Secondly, their position will also degrade. 1 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। Third page of the morning class dated 1 January 1969. तो भी पद भ्रष्ट भी हो जाता है, सजाएं भी खाते हैं। Still, their position degrades as well as they suffer punishments. तो बच्चे बड़ा घाटा है। So children, there is a great loss. घाटे में घाटा जितना हम चाहते हैं ना, वो घाटा है। There is loss over loss. As much as we wish, that is a loss. क्योंकि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है अभी। It is a bargain of many births of every cycle. क्योंकि बाप आकर के पढ़ाए रहे। It is because the father has come and he is teaching. अरे बाप आके पढ़ाते हैं। अरे द फादर कम्स एंड टीचेस। तो भला वो पढ़ाई बुद्धि में तो रहना चाहिए ना। सो दैट स्टडी शुड एटलीस्ट स्टे इन द इंटेलेक्ट शुडंट इट। हमारा बाबा टीचर है। आर बाबा इज द टीचर। तो देखो याद कितनी इजी है, अति इजी। सो लुक Remembrance is so easy. It is extremely easy. क्योंकि बाप है थोड़ा। It is because the father is small. That is subtle. वो वहाँ नई नॉलेज मिलती है ना कि अपन को आत्मा समझो। There you receive the new knowledge. Consider yourself as a soul, don't you? जो सदैव देही समझते आए हो। तो अभी बाबा कहते हैं कि आत्मा समझो। यू हैव ऑलवेज बीन कंसिडरिंग योर सेल्फ टू बी ओनली अ बॉडी सो नाउ बाबा सेज कंसिडर योर सेल्फ एज अ सोल। इसको आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड द मीटिंग ऑफ द सोल एंड द सुप्रीम सोल। फिर 5000 वर्ष के बाद ये मेला लगेगा। देन This fair will be held after 5000 years. इस मेले में अच्छी तरह से जितना वर्षा चाहिए बाप से ले लो। In this fair, take as much as inheritance you want from the father. नहीं तो पीछे बहुत पछताएंगे, बहुत रोएंगे, जार जार रोएंगे। Otherwise, you will repent a lot later. You will cry a lot. You will weep bitterly. ऐसे नहीं कि तुम रोएंगे, किसको पता नहीं पड़ेगा। It isn't that you will cry and no one will come to know. नहीं नहीं। No no. तुम सब साक्षात्कार करेंगे, सबको मालूम पड़ जाएगा। All of you will have visions. Everyone will come to know. यानी विवेक से काम लियो। इट मीन्स यूज योर विजडम। स्कूल में जब कोई बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो क्या जब पिछाड़ी में बैठते हैं तो क्या सभी नहीं देख लेते हैं? When some children are transferred in school, when they sit at the back, doesn't everyone see them? दूसरा नंबर में कैसे जाएंगे? How will they stand second? ये भी तो यही है ना। This is also the same, isn't it? ट्रांसफर तो होना है ना तुमको। You have to be transferred, don't you? ये भी भूल गए हो। Or have you forgotten this as well? इस बेसिक स्कूल से
तो वो दूसरे ऊंचे स्कूल का हो। फ्रॉम दिस बेसिक स्कूल यू मे से टू अनदर हायर स्कूल, परंतु वो तो देवताओं का। बट दैट इज ऑफ द डीटीज। बच्चों का स्कूल होता है ना। देयर इज स्कूल फॉर यंग चिल्ड्रन इजंट देयर। तुम जानते हो कि हम यहाँ से शरीर छोड़ करके फिर सत्ययुग में जा करके प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ेंगे। यू नो वी विल लीव अवर बॉडी हियर, गो टू द गोल्डन एज एंड स्टडी इन द कॉलेज ऑफ प्रिंसेस। ठीक है ना? इट इज राइट इजंट इट। हम सभी प्रिंस होंगे ना, सभी। ऑल ऑफ अस विल बी प्रिंस, वोंट वी? प्रिंस एंड प्रिंसेस पढ़ेंगे। प्रिंस एंड प्रिंसेस विल स्टडी। क्या पढ़ेंगे? व्हाट विल दे स्टडी? कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं। देयर इज नो एम एंड ऑब्जेक्ट। भाषा पढ़ेंगे। दे विल स्टडी लैंग्वेज। और वहां की जो भाषा होती है वो तो सबको पढ़नी पड़ती है, अपनी मदर लैंग्वेज। And everyone has to study the language, their mother language there. तो ये ज्ञान बच्चों को, बहुतों को तो नहीं है ना एकदम, समझे ना? So many children don't have this knowledge at all. You did understand, didn't you? तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, देखो। So look, they are sitting just like that. आ जाएंगे, कल मरे पड़े होंगे स्कूल। Today they will come and tomorrow they will be dead in the school. क्या हुआ है? What has happened? कुछ भी नहीं। Nothing at all. चरियाई माया ने नाक से पकड़ा। Madness. Maya has caught them by their nose. क्योंकि बाप आए हैं पढ़ाने। It is because the father has come to teach. पढ़ते ही नहीं है। But they don't study at all. एक दफा मिस करेगा, दूसरी दफा मिस करेगा, आदत ही पड़ जाएगी मिस करने की स्कूल में। They will miss the study once, they will miss it twice, then they will form the very habit of missing the studies in school. स्कूल में आदत कैसे पड़ती है? How do they form the habit in school? ऐसे पड़ती है। They form it like this. तो यहाँ संग किसका है? माया का। So, whose company do they have here? Of Maya. Maya ke muridon ka. Of the followers of Maya. Ye sabhi Maya ke murid the na? All of them were the followers of Maya, weren't they? Ishwar ke murid, Shiv Baba ke murid to bahut thode hote hain na? There are very few followers of God, of Shiv Baba. Aren't there? बाकी सब माया की मुरीद हैं। All the rest of them are the followers of Maya. ओम शांति। ओम शांति।